हर हर शंकर, जय जय शंकर। काशीराज काली मंदिर गुदौलिया चौक के पास व्यस्त बांस फाटक रोड पर स्थित है। ये संभवतः वाराणसी में सबसे आसानी से पहुंचने योग्य और फिर भी सबसे कठिन स्थान है। इस मंदिर के स्थान के बारे में आने वाले अधिकांश लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग यहां आए हैं, उन्होंने इस जगह को अराजकता के बीच शांति के नकली स्थान के रूप में वर्णित किया है। यह काशी नरेश की अपनी संपत्ति है। इसे काशी राज काली मंदिर या वाराणसी का गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। दो सौ साल पुरानी यह संपत्ति, जिसे काशी नरेश ने बनवाया था, शाही परिवार के लिए एक निजी मंदिर के रूप में काम करती थी। परिसर का व्यापक रूप से नक्काशीदार द्वार उस समय की वास्तुकला निपुणता का एक स्पष्ट उदाहरण है। पहली नजर में ये किसी पुराने घर जैसा दिखता है, लेकिन एक बार जब आप इसके आसपास प्रवेश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि उससे कहीं अधिक है। जैसे ही आप द्वार के अंदर जाते हैं, एक हिप्पी कैफे सूक्ष्म वृक्षारोपण और आरामदायक बैठने की व्यवस्था के साथ आपका स्वागत करता है। यह फुलवारी रेस्टोरेंट और सामी कैफे है। इसकी शुरुआत जॉर्डन के दो भाइयों ने की थी और अब एक स्थानीय परिवार इसका प्रबंधन करता है। कैफे से बाई ओर मुड़े और आपको एक मंदिर दिखाई देगा। यही है काशीराज काली मंदिर। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अब देखभाल करने वालों ने गौशाला में बदल दिया है। आप अक्सर विदेशियों को यहाँ मवेशियों के साथ समय बिताते हुए देख सकते हैं। सममित डिजाइन से लेकर नक्काशी के विवरण तक यह एक अनोखा मंदिर है। सब कुछ इतना उत्तम और शाही दिखता है कि यह कल्पना करना कठिन हो जाता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना उन्होंने इसे कैसे बनवाया होगा। यह मंदिर भारत में विकसित पत्थर कला का नमूना है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार जो मंदिर आप देख रहे हैं वो एक नकली मंदिर है, जिसके बगल में असली मंदिर छिपा हुआ है। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन बहुत कम या कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी राजमिस्त्रियों ने मूल मंदिर में फर्श गुंबद जोड़ने की कोशिश की तो दीवारें जमीन में धस गईं। उन्होंने कई बार एक गुंबद जोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, इसीलिए उन्होंने इसे वैसे ही छोड़ने और इसके ठीक सामने एक और गुंबद बनाने का फैसला किया। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि राजा शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए असली मंदिर को आक्रमणकारियों से छिपाना चाहता था।
इसीलिए उन्होंने असली शिवलिंग को एक छोटे से कमरे में रखने का फैसला किया और उसके ठीक सामने एक विशाल कलाकृति का निर्माण किया। जो कोई भी आसपास का दौरा करता है वो शायद ही दूसरे मंदिर पर ध्यान देता है, क्योंकि वे डिजाइन के सौंदर्य शास्त्र की जांच करने में व्यस्त हो जाता है। इसके पीछे का छोटा सा सफेद मंदिर गौतमेश्वर मंदिर कहलाता है। यदि यह सच है कि राजा गौतमेश्वर मंदिर को गुप्त रखना चाहते थे, तो उन्होंने ये काम इतनी अच्छी तरह से किया कि वाराणसी की सबसे व्यस्त सड़क पर होने के बावजूद भी किसी को इसके अस्तित्व की भनक नहीं लगी। परिणाम स्वरूप यहाँ बहुत कम या न के बराबर भीड़ होती है और पूरे वर्ष शांतिपूर्ण रहता है। काशी राज काली मंदिर बांस फाटक रोड पर कुदलिया चौक के पास स्थित है। यह सड़क मार्ग द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे और बस स्टैंड से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप साझा ऑटो रिक्शा या टुक टुक से यहाँ पहुंच सकते हैं। किसी भी घाट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट तक नाव की सवारी भी की जा सकती है। यह मंदिर घाट से केवल 7 मिनट की पैदल दूरी पर है। बाबा के ऐसे अद्भुत मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।